तो रात में 12:30 बजे हम लोग पहुंच गए वाराणसी। गुड मॉर्निंग पीपल, सुबह हो चुकी है और एकदम मैं रेडी हो चुकी हूँ, एकदम रेडी। मैं बढ़िया लग रही हूँ ना? मुझे पता है मैं बढ़िया लग रही हूँ। जो फ्रेंड्स हैं वो अभी तैयार नहीं हुए, वो हो रहे हैं अभी तैयार। एक सो रही है, एक और सो रही है, और टाइम हो रहा है 8:58। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोग पहले रेडी हो गए, रेडी हो गए। मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है इस होटल का व्यू। हम लोग जिस होटल में ठहरे हैं उसका नाम है सूर्या केसर पैलेस। हम लोग कहाँ हैं आपको पता है ना, मैं रात में बता चुकी हूँ, फिर से बताऊँ क्या? हम लोग आए हैं वाराणसी में दर्शन करने, मंदिर में। और भी आपको पूरा बनारस दिखाएंगे, पूरा जो भी 2 दिन में आप हम दिखा सकते हो वो दिखा देंगे। ये स्टेशन से ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर दूर है। और हम लोग जब रात में आए थे तो 70 रुपये एक ऑटो का लिया था। अब मैं इस होटल की जो सबसे मेन व्यू है भाई साहब, बालकनी, बालकनी दिखाती हूँ मैं आपको। बालकनी ये देखिए, एकदम क्या नज़ारे हैं भाई साहब, क्या नज़ारे हैं। बस यहीं मेरा घर होता ना, मैं रह लेती। ये देखिए गार्डन है, तो ये देखिए क्या व्यू है, बढ़िया व्यू है यार, बढ़िया। तो चलिए अब हम निकलते हैं होटल से। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल में नए हैं तो बस ये घंटा दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बस दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब यार इतना तो कर ही दीजिए, बार बार बोलना पड़ता है, करते भी नहीं है। निकलने वाले हैं थोड़ी देर में और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे आपको दिखाते। हम लोग निकल चुके हैं, मैं लेफ्ट आ चुकी हूँ, लेफ्ट। तो मेरे फ्रेंड्स जो है वो फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं, काशी विश्वनाथ का मंदिर है तो अभी हम लोग वहाँ पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक हम लोग थोड़ा बहुत गार्डन दिखा देते हैं आपको और ये बढ़िया नज़ारे देखिए होटल के। मंदिर जाने के लिए ऑटो ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा बता रहे, 50 की जगह 200 बता रहे। तो पर ऑटो पड़ा होटल से यहाँ पे काशी मंदिर 100 रुपीज़ पर ऑटो पड़ा। और अभी इन्होंने 1 किलोमीटर बाहर उतारा है क्योंकि पैदल का रास्ता है यहाँ से। तो हम लोग जब मार्केट पहुंचे तो वहाँ पे इतनी दुकानें थी और भीड़ तो इतनी थी, क्या बताएं, बहुत भीड़ थी भाई वहाँ पे। जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे थी कि डिजिटल कोई भी सामान आप अंदर नहीं लेके जा सकते, ना कैमरा, ना मोबाइल, ना घड़ी, कुछ नहीं, सब वहीं पे उन्होंने रखवा लिया। लेकिन ये भी है वहाँ पे आपको इजीली सामान रखने के लिए लॉकर्स मिल जाते हैं। जब हम लोग फिर अंदर गए मंदिर के तो वहाँ पे बहुत इतनी भीड़ थी, लाइनें लगी हुई थी अंदर घुसने के लिए, इतना धक्का मुक्की हो रही थी और हम लोग को 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा था मंदिर के दर्शन करने के लिए। जब हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो इतनी तेज भूख लगी हुई थी, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया हुआ था सुबह से। कैसा लग रहा हूँ भाई, हम लोग अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं, हमने कुछ नहीं छूट किया अंदर, क्योंकि ना कैमरा ना कुछ, सब रख लिया गया। तो
जब हम लोग मंदिर से निकले तो इतनी धूप हो रही थी कि थोपड़े में सन और क्या बताऊँ। तो वहाँ का हम लोगों ने स्ट्रीट फूड खाया था, कचौड़ी, और फिर तब जाके हम लोग को शांति मिली। मेरे दोस्त चले गए यार कि मैं शूट करने लगी, वो भाग गए, पता नहीं कहाँ भाग गए। देखा बहुत दूर है, वैसे तेज़ी से चलना पड़ेगा। हर शहर में एक खादी इंडिया होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले के ब्लॉग में, और ये बनारस का खादी इंडिया। धूप बहुत तेज हो रही थी तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग वापस होटल चलते। लोग मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, अब आराम करेंगे और फिर शाम को फिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो आपको बताएंगे थोड़ी देर। बने रहिए वीडियो के साथ। और मेरी चप्पल बहुत काट रही है तो मुझे थोड़ी सी चप्पल लेनी जहाँ जहाँ काटना बंद हो जाए। ओके बाय, ओके बाय। फिर हम लोग रूम में आ गए और फिर हम लोग का प्लान बना अस्सी घाट जाने का, क्योंकि हम लोग को शाम की आरती देखनी थी। आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरी चप्पल टूटी हुई थी, मैं वही दूसरे की चप्पल लेने जा रही हूँ। हम लोग होटल से निकल के अब शाम के बज रहे हैं 6। यार ये कितनी क्यूट गाड़ी है ना, इतनी मस्त लग रही है यार, ये कानपुर में नहीं चलती है। 80 घाट कितना? तो हम लोगों ने ओला बुक करी थी, लेकिन ये वाली बजे, तो अभी बज रहे हैं 6:40 और अभी हमारे पास 20 मिनट है पहुंचने के लिए।